स्टडी कैसी चल रही है आप लोगों की। आज हम चर्चा करेंगे, क्लास 10th का टॉपिक है एक्सक्रीशन, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ये एक ही बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर, ये एक ही चैप्टर्स के अंदर मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड नंबर पे बताया था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट पदार्थ होते हैं, उन सभी को बॉडी से बाहर करने की जो प्रोसेस होती है, किस तरह से वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, किस तरह से उसका फिल्ट्रेशन होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें आप चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी के जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो यूरिन हो या फिर पसीना हो या फिर आंसू हो, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी से अलग अलग पार्ट्स के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं। इसमें एक्सक्रीशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिस, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिस बेस्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो हमारे बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर करने, बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। अब ये एक्सक्रिएशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पार्ट्स के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारा जो एक्सक्रिएशन होता है, ह्यूमन का जो एक्सक्रिएशन होता है, या मैमल्स का जो एक्सक्रिएशन होता है, या पॉडिक बर्ड का जो एक्सक्रिएशन होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो यूरिया, यूरिया हमारी बॉडी से बाहर किया जाएगा, क्योंकि यूरिया हमारी बॉडी के लिए ज्यादा हानिकारक होता है, इसलिए ये यूरिया जो है बनेगा उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट किया जाएगा। तो ये यूरिया जो एक्सक्रिएट किया जाएगा, तो यूरिया को एक्सक्रिएट करने वाले जो एनिमल होते हैं, कह सकते हैं जितने भी कॉर्डेट बर्ड होता है, या जिसमें कॉर्डेट में मेमेंस आ जाते हैं, एवीज आ जाते हैं, और मेमेंस ही इसमें ज्यादातर आते हैं, एवीज तो ज्यादा नहीं है, एक दो ही है, उसके बाद कुछ एम्फीबियंस होते हैं, तो ये सभी जो एनिमल होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं ज्यादातर, जिसमें एवीस यूरिकोटेलिक में भी आता है। तो यूरियोटेलिज्म जो है वो ऐसे एनिमल जो यूरिया का एक्सक्रिएशन करते हैं, यूरिया को अपनी बॉडी से बाहर निकालने वाले एनिमल होते हैं, उनको हम यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। ऐसे ही जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं, अमोनिया का एक्सक्रिएशन करते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अमोनिया का एक्सक्रिएशन करते हैं, अमोनिया को बॉडी से इजेक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ऐसे एनिमल को अमोनोटेलिज्म एनिमल बोलते हैं, या जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं, जैसे इसमें पॉरीफेरल्स आ जाते हैं, मॉलस्क और सीलेंट्रेट, ऐसे एनिमल अमोनिया का एक्सक्रिएशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। उसके बाद आता है एक यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म यानी कि यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालना, उनकी बॉडी का जो मेन वेस्ट मटेरियल है उसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। और ऐसे जो एनिमल होते हैं इनमें पानी की कमी होती है, पानी को वो बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसे कुछ एनिमल होते हैं जैसे इंसेक्ट वर्ग जो होता है, जितने भी अर्थोपोडन आते हैं, अर्थोपोड्स के अंदर आते हैं, ऐसे एनिमल, कुछ रेप्टाइल्स भी आते हैं उसमें, और ज्यादातर एवीज जितने भी पक्षी होते हैं वो सब यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से इजेक्ट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं हम यूरिकोटेलिज्म। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर अमीनोटेलिक, अमीनोटेलिक यानी कि अमीनो एसिड को बॉडी से बाहर निकालने वाले एनिमल। तो अमीनो एसिड को जो बाहर निकालते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे यूनियो, स्नेल और कुछ इकाइनोडर्मेट, जो इकाइनोडर्मेट जैसे स्टार फिश आ जाता है, सी अर्चिन आ जाता है, ऐसे कुछ एनिमल जो होते हैं वो हम इसके अंदर रखते हैं। तो जो इस तरह से हम इसको एक्सक्रीशन के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्सक्रीशन, डिवाइडेड बाई फोर टाइप्स, नंबर वन अमोनोटेलिक जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं, सेकेंड नंबर पर यूरियोटेलिज्म जो यूरिया को बाहर निकालते हैं, थर्ड नंबर पर यूरिकोटेलिज्म जो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, और फोर्थ नंबर पर अमीनोटेलिक जो अमीनो एसिड को बाहर निकालते हैं। इस तरह से फोर कैटेगरी में इनको डिवाइडेशन किया गया है। तो ऐसे कुछ एनिमल जो होते हैं वो इसके टाइप है। इसके बाद कुछ एनिमल होते हैं उनके अलग अलग एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होते हैं,
जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में ये जो किडनी होती है वो मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन्स होती है। तो ऐसे ही कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अलग अलग उनमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोअन। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोअन में कौन आता है, कौन आता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी से स्किन, इनका जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है वो स्किन होता है। इसके बाद सेकेंड आता है प्लेटी हेलमिंथीस, जैसे फ्लैम सेल्स, इनका जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैम सेल्स। ऐसे ही आता है थर्ड एनिलिडा में कौन आता है, अर्थवर्म जो है उसका नेफ्रिडिया होता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है एनिलिडा का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है वो क्या है, नेफ्रिडिया। ऐसे इसके बाद आता है आर्थ्रोपोड्स, जितने भी इंसेक्ट वर्ग होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया इंसेक्ट जो वर्ग होते हैं इंसेक्ट, वो सभी आर्थ्रोपोड में रखे जाते हैं। इसका कौन है, मैल्पीजियन टिब्यूल्स। तो ये सभी के अलग अलग है, मैल्पीजियन टिब्यूल्स आर्थ्रोपोडा का है। इसके बाद मॉलस्क में ऑर्गन ऑफ वेजोनस एंड ऑर्गन ऑफ केवर, ये दो होते हैं इनमें। तो ऑर्गन ऑफ वेजोनस होता है और ऑर्गन ऑफ केवर के ऑर्गन्स होते हैं। तो ये किसमें आता है, मॉलस्क में आता है। इसके बाद कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा वर्ग में जितने भी एनिमल होते हैं उनमें ज्यादातर किडनी होता है, और किडनी के अलावा भी स्किन, हमारी जैसे स्किन है इससे पसीना बाहर निकलता है, लंग्स, इससे भी एक्सक्रिएट होता है। क्या एक्सक्रिएट होता है, लंग्स से फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, तो लंग्स भी होता है। ऐसे पीसीज में गिल्स होता है, लीवर भी यहाँ पर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स का काम करता है, ऐसे ही सॉल्ट ग्लैंड जो होती हैं। तो इस तरह से ये कुछ ऑर्गन होते हैं जो किडनी के अलावा होते हैं, स्किन, लंग्स, गिल्स, लीवर और सॉल्ट ग्लैंड होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। जो हमारी बॉडी से बाहर निकल, जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन के आधार पर फोर टाइप के एनिमल को डिवाइडेड किया गया, सेपरेट किया गया। नंबर वन अमोनोटेलिज्म, जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है यूरिकोटेलिज्म, जो यूरिया को बाहर निकालते हैं। थर्ड नंबर पर यूरिकोटेलिज्म, जो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। और अमीनोटेलिक, जो अमीनो एसिड को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ में स्किन होती है, प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लैम सेल्स होती हैं, एनिलिडा में नेफ्रिडिया होते हैं, अर्थोपोडा में मेल्पीजियन टिब्यूल्स होती हैं, मॉलस्क में ऑर्गन ऑफ वेजोनस एंड ऑर्गन ऑफ केवर। ऐसे ही कॉर्डेट में किडनी एंड अदर, किडनी के अलावा भी कुछ आ जाते हैं ऑर्गन्स, जैसे स्किन, लंग्स, लीवर और कुछ सॉल्ट ग्लैंड्स होती हैं। तो इस तरह से ये होती है। अब हम यहाँ पर मेन बात करेंगे मैमल्स की, और मैमल्स में ह्यूमन के अंदर जो होता है वो होता है किडनी। एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन्स है वो किडनी का बना होता है, और किडनी के आधार पर हम इसको कैसे, इसमें दो किडनी होती हैं। इस ये किडनी जो है पेरिटोरियल कैविटी होती है, जो हमारी पीछे की साइड में जो पेरिटोरियल कैविटी होगी तो वहां पर ये स्थित होती है प्रेजेंट। और ये इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और लगभग 3 सेंटीमीटर ये मोटी होगी। तो इस तरह से ये किडनी का इस तरह का स्टेप होता है। अब ये दो किडनी होती है, एक इस साइड की राइट और ये वाली लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी और ये लेफ्ट, तो एक थोड़ी सी नीचे स्थित होती है लेफ्ट किडनी। अब यहां पर ये मैंने यहां पर रेड कलर से किया हुआ है, ये ब्लू कलर से किया हुआ है। तो जो रेड कलर से किया हुआ है, रेड कलर की जो आपकी ये वेसल्स बनाई हुई है इसको बोलेंगे आर्टीज। और चूंकि एक यहाँ पे वर्ड आता है रीनल, किडनी से रिलेटेड या एक्सक्रेटरी ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ड होगा वो हमारा रीनल होगा। जैसे आपने सुना होगा कार्डियक जो वर्ड होता है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है।
ऐसे यहाँ पर जो वर्ड आएगा रीनल, रीनल जो वर्ड आएगा उसका मतलब ये है कि ये हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स की जो मेन आर्टरीज है उसको उसको हम बोलेंगे ये बंद हो गया आवाज। तो यहाँ पर दो किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड की किडनी और ये राइट साइड की है, राइट साइड की किडनी। ये जो किडनी है, किडनी में एक एक रीनल आर्टरीज जाएगी और रीनल वेंस की जो टिब्यूल्स होंगी वो डिवाइडेड होके अंदर तक पूरा पहुंच जाएगी। दूसरी चीज जो किडनी होती है वो दो पार्ट्स में मेन रूप से डिवाइड होती है, जो अंदर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अंदर का जो पोर्शन होता है, अंदर साइड का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम मेड्यूला, और जो बाहर का जो पोर्शन होता है, बाहर का जो पोर्शन है उसको बोलेंगे हम कॉर्टेक्स। तो इस तरह से मेड्यूला और कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में डिवाइड होगा, बाहर का जो पोर्शन है वो कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। दूसरी चीज, यहां पर एक किडनी, ये किडनी जो होती है उसकी एक यूनिट होती है, तो वो यूनिट बनी होती है किससे, नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, उसको हम नेफ्रॉन लेते हैं, अभी आपको और डिटेल में समझाएंगे, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये जो है नेफ्रॉन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स की यूनिट होती है, इकाई होती है। एक किडनी के अंदर कई नेफ्रॉन होते हैं और वो जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी संख्या भी फिक्स होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किडनी के जो टिश्यूज होते हैं वो बार बार, किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो बार बार डिवाइड नहीं होते। एम्ब्रियोनल स्टेज में ही जितने किडनी के नेफ्रॉन्स जो तैयार हो जाते हैं उनका साइज एनलार्ज होता है, उनकी संख्या नहीं बढ़ती, जितने उसमें एम्ब्रियोलन स्टेज में ही बन जाएंगे वो नेफ्रॉन्स, उतने ही नेफ्रॉन्स रहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि किसी की किडनी खराब हो जाती है तो फिर वो किडनी रीजेनरेट नहीं होती, वो बदलनी ही पड़ती है उस किडनी को। और लीवर आपने देखा होगा, लीवर हमारे बॉडी में ऐसा ऑर्गन्स होता है जो कुछ डैमेज भी हो जाता है तो उसके बाद वो कुछ अपना पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही इसकी जो किडनी है वो जितने नेफ्रॉन्स इसकी बॉडी में बन जाते हैं वो ही नेफ्रॉन्स लास्ट तक बने रहते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे इसको और ज्यादा समझने की, ये किडनी के एक तो इसका जो एक्सक्रेटी, ह्यूमन का जो एक्सक्रेटी सिस्टम होता है वो एक तो किडनी में बटा होता है, दूसरा यूरेटर, ये दो नलियां होती हैं जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। इसके बाद ये जो यूरेटर है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होता है, थर्ड नंबर का यूरिनरी ब्लैडर होता है और फोर्थ नंबर का होता है यूरेथ्रा। तो इस तरह से चार भागों में इसको हम डिवाइडेशन कर सकते हैं, वन नंबर किडनी, सेकंड नंबर आपका यूरेटर, और थर्ड नंबर यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ नंबर यूरेथ्रा। दो किडनी होती है और किडनी के ऊपर यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स, जो हमारी एक ग्लैंड होती है उसको जो अंतःस्रावी कुछ ग्रंथियां होती हैं उनमें आती है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन्स को रिलीज करती है। अब इस तरह का जो हमारा इसका डायग्राम होता है, अब इसके बाद हम ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ तो मैं इसको फिर से बना देता हूं ऊपर क्लियर दिखाने के लिए, एक मिनट। हाँ तो ये बच्चों ये मैंने डायग्राम यहाँ पे फिर से बनाया हुआ है। ये जो है इस तरह का जो यूनिट होती है ये एक नेफ्रॉन की यूनिट होती है, ये मैंने एक नेफ्रॉन बनाया हुआ है जो इसकी यूनिट होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा राउंड शेप दिखाई दे रहा है, इसको मैंने यहाँ पर डिटेल बड़ा करके बनाया हुआ है। ऐसे इसमें कई नेफ्रॉन्स रहते हैं, उनकी संख्या लगभग लाखों में होती है। तो यहाँ पर ये एक नेफ्रॉन मैंने बनाया हुआ है, इस नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक ये जो ब्लड कैपिलरीज जो इसके अंदर गई हुई है ये मैंने रेड से मेंशन किया हुआ है, इसको बोलेंगे हम ग्लोमेरुलस, इसको ये ब्लड कैपिलरीज होंगी। इसको यहाँ से यूरिन क्या होगी, जो ब्लड हमारा है वो फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट होने के साथ में जो ब्लड से जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के साथ में अमीनो एसिड होंगे, कुछ सॉल्ट होगा, कुछ यूरिया होगा, कुछ वाटर होगा, वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब या फिल्ट्रेट करने के बाद में वो किस में आ जाएगा, बोमन कैप्सूल में आ जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे ये राउंड शेप बनाया हुआ है इस तरह का, इसको बोलेंगे हम बोमन कैप्सूल।
इसको ये जो कैप्सूल के आकार का बनाया हुआ है इसको बोमन कैप्सूल बोलेंगे। फिर ये कैपिलरीज जाएगी, यहाँ पे एक टिब्यूल जाएगी और ये यू आकार में राउंड करेगी, यू आकार में राउंड करेगी, और उसके बाद ये जो है मेन टिब्यूल से जाके कनेक्टेड हो जाएगी। तो इस तरह से कई नेफ्रॉन होते हैं, उन नेफ्रॉन की जो टिब्यूल होती है वो ऐसे इसके अंदर कनेक्टेड, जो मेन टिब्यूल है उसके अंदर ये कनेक्टेड इस तरह से हो जाती है। तो ये मैंने केवल एक नेफ्रॉन का बनाया हुआ है। तो जो मेन नेफ्रॉन है उसका ये जो रेड वाला जो पोर्शन जो मैंने दिखाया हुआ है, जो ऊपर से आती है ब्लड कैपिलरीज, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये नीचे वाले जो है उसको बोलते हैं हम बोमन कैप्सूल। इस बोमन कैप्सूल और ये टिब्यूल, दूसरा इसका पार्ट जो नीचे यू आकार में ये हो गया है, और ये टिब्यूल्स काफी लंबाई में होती है, उन टिब्यूल्स और बोमन कैप्सूल्स दोनों को मिला के बोलते हैं हम नेफ्रॉन। अब ये जो यू आकार की जो नली है, ये क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ जाए और उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण हमारे कुछ बॉडी की जैसे ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिएंट, तो इनको री एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये इससे लिपट जाती है और फिर से उसका एब्जॉर्बेशन करती है, किसका, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का। तो फिर से री एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इसके द्वारा, और केवल इसमें यूरिया और वाटर, कुछ मात्रा में सॉल्ट, ये हमारे इसमें रह जाता है यूरिन के अंदर, ये निकल जाता है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी का जो एक्सक्रिएशन है वो होता है। और यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज गई हुई है इसके अंदर डर्टी ब्लड गया हुआ है, और ये डर्टी ब्लड यहाँ पर छन जाता है एक तरह से, उसमें फिल्ट्रेट हो जाता है। फिल्ट्रेट होने के बाद में ये यहाँ पर क्लीन ब्लड इसके अंदर फिर से भी निकल जाता है वहां से। तो इस तरह से ये हमने दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है, उसके बाद ये बोमन कैप्सूल्स, नीचे वाला जो ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है वो बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल्स, और ये जो लंबी ट्यूब्स गई हुई है, ये ट्यूब्स और बोमन कैप्सूल्स दोनों को मिला के हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ऐसे कई नेफ्रॉन्स हमारे इस किडनी के अंदर, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होता है उसमें कई उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से इसका रीऑब्जर्वेशन हो जाता है ब्लड के अंदर, इसका ग्लूकोज और अमीनो एसिड का, और बाकी जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो हमारा इसमें यूरिन के रूप में निकाल दिया जाता है। तो ये इस तरह से नेफ्रॉन्स लगातार वर्क करते रहते हैं, और ये फिर यूरिन जो है वो यूरेटर से होती हुई यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाती है, और ब्लैडर से इसको इजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स काम करता है हमारी बॉडी का। तो ये हुआ आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर